लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और चुनाव की डेट आने के बाद किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी, इसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जिले में 10 विधानसभा है और 10 विधानसभा के हिसाब से हमारे पास 1880 मतदान स्थल है। साथ ही साथ हमारे पास वोटरों की लिस्ट भी आ चुकी है, जिसमें कितने पीडब्ल्यूडी वोटर हैं, कितने पुरुष हैं, महिलाएं वोटर कितनी हैं और कितनी सर्विस वोटर हैं, इन सभी की जानकारी है। सोनिका ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक वोटर इस महापर्व में जुड़े और मतदान करें। जनरल ब्रीफिंग सेशन था, जिसके अंदर हम लोग आपको सूचना दे रहे थे कि किस तरह से अब आगामी जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद से हम लोगों की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और उसी के क्रम में आज सभी लोग आए हैं। जैसे मैंने बताया दोबारा से कि हमारे जिले में 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं के हिसाब से हमारे पास जो मतदान स्थल हैं वो हमारे करीबन 1880 हैं। इसमें हमने अलग अलग तरह से, जैसे कितने पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, कितने सर्विस वोटर हैं, कितनी महिलाएं पुरुष, हमारे पास पूरी डिटेलिंग है इस चीज की। हम लोग स्वीप की एक्टिविटीज काफी कर रहे हैं और प्री जो इलेक्शन होता है यही हम लोग कार्य करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें और प्रेरित हो जाएं कि हाँ भाई हमें मतदान करना है। तो मैं इस माध्यम से भी यही सभी को कहना चाहूंगी कि सब लोग अपने मतदान का जरूर प्रयोग करें और इस पूरा जो हमारा महापर्व है उसमें अपना भागीदारी जरूर दें।